नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। हम अभी झारखंड की उपराजधानी दुमका में हैं और संताल परगना प्रमंडल का यह मुख्यालय भी है। आज प्रमंडल के अधीन 6 जिला आ गए हैं और संताल समुदाय या आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। अलग राज्य बने लगभग 22 वर्ष पूर्ण होने को है, लेकिन आज भी हम लोग सामान्य बोलचाल में यह कह देते हैं कि संताल समाज पिछड़ा हुआ है। जबकि हाल ही में इस समाज की एक बेटी द्रौपदी मुर्मू देश की पहली नागरिक चुनी गई और राष्ट्रपति बनी। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिला रहे हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त बिहार में 1965 में दुमका से ऐसी उड़ान भरी जो लंदन पहुंच गए, ब्रिटेन पहुंच गए और संयुक्त बिहार में उस समय अपने समाज से जाने वाले यह पहले व्यक्ति हैं और इनका नाम है डॉक्टर धुनी सोरेन। लंदन में रहते हैं लेकिन मातृभूमि का जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, वो इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। जहाँ हैं वहाँ से रहकर अपने समाज के बारे में सोचते हैं, काम करते हैं और निश्चित रूप से साल में एक बार अपनी मातृभूमि इनको बुलाती है और ये दुमका पहुँच जाते हैं। अभी ये दुमका आए हुए हैं। आज हम आपको डॉक्टर धुनी सोरेन से मिला रहे हैं। अंकल, न्यूज़ पोस्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। आप एक छोटे से जिले वर्तमान का गोड्डा, उसमें भी बुआरी जोर प्रखंड, जो सबसे पिछड़ा माना जाता है, बुआरी जोर से निकलकर झारखंड की उपराजधानी और यहाँ से लंदन तक की उड़ान, कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में आज भी आपका समाज पिछड़ा हुआ है। आप उस समय, जबकि हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय आपने शिक्षा ली, कितनी परेशानी हुई? बहुत परेशानी। लेकिन एक बात बताते हैं, हमारी पैदाइश अंग्रेज के ज़माने में हुआ था 1935, तो उस ज़माने का तौर तरीका उसका भी जानकारी है, सब चीज़ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई का प्रबंध कुछ नहीं था। हमारे गांव में एक लोअर स्कूल था जिसमें आसपास के बच्चे आते थे और वहां से पास करने के बाद नियरेस्ट मिडिल स्कूल था ठाकुरगंज के, जो करीब करीब 5-6 माइल पड़ता है, वहां पैदल जाते थे। और इसके बाद वहाँ से निकल करके कहीं जाने का इंतजाम भी नहीं था, जानकारी भी नहीं थी। बाद में हमारी बड़ी बहन की शादी राजा बिठा में हुआ, प्रेग्नेंट से हुआ, वहाँ नया मिडिल स्कूल खुला और उसी स्कूल में अपना नाम लिखवाए और हम अपने बहन के साथ रह करके वहीं से मिडिल 1947 में पास किए। 1947 में आपने मिडिल पास की और वो वर्ष जो है भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिखा जाने वाला है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ। उस समय की कुछ यादें? एकदम हमको याद है कि इंडिपेंडेंस डे जो हुआ, सब बच्चों को मिठाई दिया गया था और छोटा छोटा कागज का झंडा लेकर के गाना गाए, स्कूल के चारों तरफ घूमे, अभी एकदम बिल्कुल याद है सही तरह से। 1947 में मिडिल पास की, फिर हायर एजुकेशन कहाँ से हुआ और उसमें क्या परेशानी आई, कैसे समाधान? उसमें भी परेशानी, कहे कि कुछ जानकारी नहीं थी कि कहाँ जाएंगे। एक सुने थे हजारीबाग, तो वो तो बहुत दूर था, ऐसे करते करते पीछे पड़ गए। और भाग्यवश से नया स्कूल एक पत्थरगांव में खुला था, वहीं पर अपना नाम लिखवा लिया और वहाँ 2 साल रहे। 8वां क्लास में गए, 8वां क्लास में हम बीमार पड़ गए थे, इसे इम्तहान नहीं दे पाए और हेडमास्टर थे, उनका नाम हरीश तिवारी जी है, अभी भी याद है, हमसे बहुत खुश थे, बिना इम्तहान के हमको प्रमोशन दे दिए, जिसके चलते हमको 1 साल और वहाँ रहना पड़ा। जहाँ तक कि बीमारी के बारे में है, हमको कालाजार हुआ था, जो उस समय बहुत खतरनाक बीमारी होती थी, तो इलाज भी बहुत कम, अस्पताल भी नहीं था,
लेकिन हमारे जीजाजी थे, एक स्कूल के शिक्षक थे और साथ साथ जड़ी बूटी का भी इलाज करते थे, तो अपने घर ले गए वहीं पथरगवा के नज़दीक में, दवा वगैरह दिए और साथ साथ तुबा किए। तुबा का मतलब होता है कि जो हंसुआ होता है उसको, उसका जो एंड होता है उसको गर्म करके उसी से डागना होता था। लकली ठीक हो गए और एक साल वहाँ रहना पड़ा हमको पथरगवा स्कूल में, क्योंकि वो प्रमोशन दे दिए थे। और प्रमोशन बाद में मालूम हुआ कि प्रमोशन कहाँ मिला हमको, तो हमारे मित्र लोग बोले कि जी हेडमास्टर समझ कि तुम अंग्रेजी बहुत जानते हो। तो जानने का तरीका हमारा था कि एक छोटी सी पुस्तक थी जिसमें ऐसे उसे लिखा रहता था कि काउ इज फोर फुटेड एनिमल, इस तरह का इतना सिंपल। तो जितना इसमें स्टोरी था सब रटे हुए थे, 20-25 था रटे हुए थे, और उसी के चलते लोग समझते थे कि हम अंग्रेजी बहुत जानते हैं। फिर भी फायदा हुआ, प्रमोशन मिल गया, एक साल वहाँ रहना पड़ा, तब वहाँ से निकले। तो वहाँ से निकल के फिर कहाँ पहुँचे? उसके बाद जिला स्कूल, दुमका जिला स्कूल, जो उस जमाने में सबसे बढ़िया समझा जाता था। और दुमका इसलिए पहुँचे कि हमारे बड़े भाई उस समय तक एक नौकरी ज्वाइन किए थे सिविल कोर्ट में, और डंगलपुरा एरिया में अपने दोस्त लोगों के साथ रहते थे। तो वहाँ दसवां क्लास में पहुँचे तब मेरा आँख और दिमाग खुला। क्या आकर्षित किया आपको जो कि डॉक्टर बनना है या पढ़ लिख के कुछ करना है? उसका भी स्टोरी है कि उस जमाने में दुमका जिला सबसे बढ़िया समझा जाता था, और जिला के जो तीन बड़े साहब होते थे, डीसी हुए, एसपी साहब और सिविल सर्जन, वो बराबर आते थे, महीना में जरूर एक दफे चक्कर लगाते थे, बात नहीं करते, स्टूडेंट से बात नहीं करते थे, घूम जाते थे अपना मास्टर हेड मास्टर वगैरह। तो उसमें हमको आकर्षित किया सिविल सर्जन, इसलिए कि अपने नाम के पहले दो ठो लेटर लिखते थे DR और बाद में चार गो MBBS, तो उसका हमको शौक हुआ, एज सिंपल एज दैट। तो ये तो हुई डॉक्टर धुनी सोरेन के डॉक्टर बनने की कहानी, प्रेरणा कैसे मिली। लेकिन कहा जाता है डॉक्टर धुनी सोरेन धुन के पक्के हैं। इन्होंने पायलट की भी ट्रेनिंग ली, खेती भी की और पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर की नौकरी भी की। तो इतने धुन के पक्के हैं, ये डॉक्टर बनने चले थे, बीच में ये पायलट कैसे बन गए, हम इन्हीं से जानते हैं अंकल। अच्छा, उसके पहले एक कहानी सुनाते हैं। उस जमाने में मिनिस्टर लोग आते थे स्कूल में, आजकल भी आते हैं, लेकिन उस जमाने में शिक्षा मंत्री जिनका नाम अभी भी याद है, बद्री प्रसाद वर्मा आए थे, तो उनको स्वागत करने के लिए एक ड्रामा हम लोग दिखाया अंग्रेजी में, और उसमें एक छोटा सा पाठ हमको मिला था, और अभी भी याद है क्या लाइन था कि पुसी कैट वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू लंदन टू सी द क्वीन। इसके बाद में लंदन का नाम सुने भी नहीं थे और जाने का कोई ख्वाहिश भी नहीं था। तो एक इंसिडेंट है, अब जो है कहानी के तौर पर बोलते हैं कि हो सकता है इसीलिए लंदन पहुंचे। मैंने पुसी कैट और क्वीन को देखना था इसलिए आपने लंदन चला गया। मेडिकल की पढ़ाई कब पूरी हुई और कब आपने ब्रिटेन गए? तो मेडिकल की पढ़ाई हमारे 1955 में एडमिशन हुआ और 60 में निकले। और इसी बीच में जो पायलट का बोल रहे हैं कि जब स्टूडेंट थे, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कॉलरशिप निकला था, उसमें इम्तहान दिए और हमको स्कॉलरशिप मिल गया पायलट का ट्रेनिंग के लिए। तो पायलट का ट्रेनिंग उसी स्कॉलरशिप से सीखे, और रोज़ सुबह चक्कर लगाते थे अपना हॉस्टल से PMCH जो है, जिसका नाम उस ज़माने में प्रिंस ऑफ वेल्स हुआ करता था, वहाँ से साइकिल से जाते थे एरोड्रम, और कभी फ्लाइट मिलता था कभी नहीं मिलता था, रोज चक्कर मारते थे और फिर वापस आके क्लास में जाते थे। तो खैर डॉक्टर बनने के पहले पायलट बन गए, और डॉक्टर हम कंप्लीट किए 1960 में। और ब्रिटेन कब गए? ब्रिटेन जाने के पहले हम 3 साल ब्लॉक में काम किए, और फर्स्ट पोस्टिंग हमारी जामताला सदर हॉस्पिटल में था।
सदर ब्लॉक में था और वहाँ 3 साल नौकरी किए। इसके बाद मालूम हुआ कि आदिवासी डॉक्टर को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजने का सरकार का ये योजना है, और योजना जब मालूम हुआ कहा कि हम हमेशा जो जान पहचान के लोगों से संपर्क रखते थे और अभी भी रखते हैं, तो उसमें जो पहला कोलिशन गवर्नमेंट बिना झारखंड और कांग्रेस में, उसमें हम लोगों के भी मंत्री थे। इनफैक्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री हम लोगों के यहाँ दुमके के थे, बरियार हेमराम। आप लोग तो शायद याद नहीं करते, पुराने लोग याद करते हैं। और बाबा लाल हेमराम के भाई थे। तो जब मालूम हुआ तो गए उनके यहाँ कि सर सुनाए कि ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप है तो दिया जाए, तो उसमें 2 को दिया गया, एक हमको दिया गया और एक रांची की लड़की थी उनको दिया गया। और 65 में गए। दुख की बात है दोनों हम लोग वहीं रह गए, पढ़ाई लिखाई के बाद दोनों रह गए। लेकिन फिर भी हमको खास करके भारतवासियों और खास करके अपने एरिया के लोगों से इतना प्यार है कि भुला नहीं पाए, जिसके चलते हम लोग हर एक साल आते हैं और कुछ अपने तरीके से छोटा मोटा काम करते हैं। तो नाटक में एक छोटा सा रोल मिला और उसकी जो पंक्ति इन्हें दुमका से लंदन पहुंचा दिया। जिस समय नाटक का मंचन हो रहा था, शायद जैसा अभी डॉक्टर सर खुद बताए, जो लंदन क्या होता है, क्वीन वहाँ की क्या थी, इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। लेकिन समय के साथ साथ यह जानकारी हुई, जिज्ञासा हुआ और लंदन पहुंच गए। देश आज़ाद हुए लगभग 10-15 साल हुए थे और उस समय ये लंदन पहुंचे थे।